अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा, इसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वबारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से आप लोगों के सामने अल्लाह के कलाम की तफसीर का एक नया सिलसिला MSLI लाइव TV के ज़रिए शुरू हुआ। उसी की बहुत सी तफासिर और बहुत से एपिसोड आपके सामने आ चुके हैं। मैं सिर्फ़ गुज़िश्ता का चंद खुलासा इयादा करते हुए आज के खुसूसी तौर पर, जिसका मैंने वादा किया था कि इसके बाद चंद खुसूसी अहकामात इस सूरत के मुताल्लिक़ जो हैं और जो अहम तरीन निकात और बातें हैं वो मैं पेश करूँगा। तो ये इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ख़ुलासा रखूँगा। गुज़िश्ता का जो मज़मून आपके सामने आया था, तकरीबन 4वां एपिसोड, इसमें हमने बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को इतनी फजीलत बख्शी कि हर आयत का रब्बुल आलमीन जवाब देता है और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तक बंदे से कहता है कि तूने जो मांगा उसको हमने तुझे अता किया और यही वो अता है जो पूरा कुरान तेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। सूरह फातिहा जहाँ तक मजमूई तफसीर का ताल्लुक़ था वो मैं आपके सामने पेश कर दिया हूँ, लेकिन तर्जुमानी की हैसियत से 2 आयतों का तर्जुमा मैंने उस वक्त आपके सामने पेश नहीं किया था गुज़िश्ता एपिसोड में, जो मैं आज पूरा कर रहा हूँ कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के ऐ अल्लाह हमें हिदायत देना। किस बात की तरफ? सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करना। हमारे लिए हिदायत इस हैसियत से करना कि हम सिरात मुस्तकीम पा जाएं, यह रब्बुल आलमीन से दुआ है, सवाल है, जो अल्लाह ख़ुद बंदे को सिखाता है। इहदिना, हमारी हिदायत कर, रहनुमाई कर। किसकी तरफ? अस्सरात अलमुस्तकीम, रास्ता। सरात का मतलब है रास्ता, मुस्तकीम बिल्कुल सीधा, इसके अंदर कोई टेढ़ ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके जवाब में तो हमें कुरान मजीद अता किया, लेकिन इसकी तफसील खुद सिखाई कि हालांकि ये मुकम्मल तरीन एक जुमला था कि अल्लाह हमें हिदायत, सीधी हिदायत, हिदायत का रास्ता, सिरात मुस्तकीम बता, रहनुमाई कर। लेकिन फिर उस सिरात मुस्तकीम की तशरीह फरमाई कि यूँ मांगो सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐ अल्लाह वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया उन लोगों का, गैरिल मग़दूब अलैहिम, उन लोगों का नहीं जिन्होंने तेरे गज़ब को पाया, जो मग़ज़ूब हुए, जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वलद्दालीन, और उन लोगों का भी नहीं जो गुमराह हुए। यहाँ पर मुराद है मशहूर तरीन तफासिर के एतबार से कि अल-मग़दूब अलैहिम अल-यहूद, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत, अल्लाह का गज़ब जो हुआ वो यहूदी हैं। और वलद्दालीन, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अन्नसारा जो भटके, व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील, जो गुमराह हुए वो नसारा हैं। गोया कि गुज़िश्ता दो उम्मतें जो थी जहाँ से भटके, उन दोनों के बाकायदा सिफ़ात का इजहार करके दुआ मांगते हैं, अल्लाह इन दोनों से बचाना, ये दोनों सिरात मुस्तकीम से हट गए थे, यहूद भी नसारा भी, हालांकि दोनों को किताब भी मिली, पैगंबर भी मिला, ये दोनों होने के बावजूद भी वो भटके सिरात मुस्तकीम से, इनमें से न करना। हमको भी किताब और रसूल दोनों मिली है, इन दोनों के होते हुए हमें भी कहीं क्या है उनकी तरह सीधे रास्ते से हम हट न जाएं, इस वास्ते ये दुआ अल्लाह ने सिखाई है कि इन दोनों से पहले क्या है तबर्रा करो, इन दोनों से सबसे पहले कहो कि हम इन दोनों में से नहीं हैं। यह अजीब बात है कि नमाज़ों में तो हम ये मांगते हैं कि यहूद व नसारा की पैरवी नहीं चाहिए, यहूद व नसारा से हम अलग हैं, लेकिन बातों में, मुआशरत में, कामों में, रहन सहन में, घरेलू ज़िंदगी में हम हूबहू उनकी पैरवी करना चाहते हैं। ये तजाद है कौल व फ़ैल का, तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत देगा। एक तरफ मांग तो ये रहे हैं कि हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पर गज़ब हुआ, यहूदी, उन लोगों का रास्ता भी नहीं चाहिए जो अल्लाह गुमराह हुए, नसारा। मांगते तो हैं लेकिन अमल से नसारा की पैरवी, यहूदियों की पैरवी, हमारे बाल देखिए, हमारे कमीज़ देखिए, हमारा उठक बैठक देखिए, हमारा रहन सहन देखिए, हमारी मुआशरत देखिए, हमारा उठना बैठना, सोना लेटना, भागना दौड़ना, खेल कूद, सैर तफरी, सब क्या है उन्हीं लोगों की पैरवी में है। उन्हीं लोगों की पैरवी से खुश होते हैं, उन्हीं लोगों की पैरवी में तरक्की समझते हैं, उन्हीं लोगों की पैरवी में समझते हैं कि हमने क्या है दुनिया कमा ली। तो याद रखिए ये कौल बहुत बड़ा तजाद का है कि एक तरफ कौल तो ये है और अमल एक तरफ क्या है बिल्कुल हूबहू उन्हीं की पैरवी करने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देगा। तो ये है असल मतलूब इस आयत का कि सीधा रास्ता वो है जो यहूदी का भी नहीं है, नसरानी का भी नहीं है। फिर तो कौन है? अल-क़ुरआन युफ़स्सिरु बादुहु बादा के तहत, इस उसूल के तहत कि क़ुरआन कभी अपनी बाज़ आयतों की तशरीह बाज़ आयतों से करता है, ख़ुद ही करता है। पहला तफसीर का उसूल ही क़ुरआन से क़ुरआन की तफसीर करना, कहीं मुजमल तो कहीं मुफ़स्सल, कहीं मुफ़स्सल तो कहीं मुजमल, कहीं सिर्फ इशारा दे दिया तो कहीं तफसील बयान कर दी, कहीं तफसील आई तो कहीं सिर्फ इशारा दे दिया। तो उस हैसियत से यहाँ पर इशारा दे दिया कि तुम मांगो अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। लेकिन वो कौन मुनअम अलैह ग्रोह है, कौन किन पर इनाम किया? तो निसा में फरमाया कौन है वो लोग जो अल्लाह के इनाम पाए। फरमाया कि मैं युतिल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने इनाम किया किन पर? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा सालिहीन, ये चार ग्रोहों को रब्बुल आलमीन ने बताया। ये मुनअम अलैह ग्रोह है, अल्लाह ने किन पर इनाम किया। सबसे पहला मुअज़्ज़ज़ तरीन ग्रोह अंबिया का, मिनन नबिय्यीन। दूसरी कैटेगरी है सिद्दीक़ीन। हज़रत मरियम को फरमाया कि वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, ये शुहदा से भी बढ़ के मर्तबा है, नबियों के बाद का मर्तबा, शहीदों से ऊंचा मर्तबा। सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वश्शुहदा, शहीदों पर, सालिहीन सालेह तरीन लोग, नेक लोगों पर। ये चार मुनअम अलैह ग्रोह में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीर के साथ बता दिया। कुरान के अंदर के इन चारों की पैरवी असल में क्या है, तुम्हारे लिए वो सिरात मुस्तकीम को मिल जाना या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हिदायत करना है। तो इन चारों की पैरवी में, इन लोगों के बताए हुए तरीक़े पर तुम्हें चलना होगा। मुखालिफत किन किन की? यहूद और नसारा की सख्ती के साथ मुखालिफत। अब आइए, बाज़ इस सूरत से मुतअल्लिक़ खुसूसी अहकामात हैं, उन अहकामात को मैं इंशाअल्लाह मुख्तसरन करके पेश करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह वक्त में बरकत दे। सबसे पहली बात यह है कि सूरह फातिहा की आयात के सिलसिले में बाज़ मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अभी इसमें एक इख्तिलाफ ये भी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सात आयात हैं या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर सात आयात हैं। जिनके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सात आयात हैं तो उनके पास सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, सब मिला के एक आयत है। और जिनके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर सात आयात हैं तो उनके पास सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम एक आयत है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन एक आयत है। ये इस तरह क्या है, इख्तिलाफ उलमा के दरमियान है, लेकिन सात आयात पर उम्मत का इजमा है। और इसी तरह ये क़ुरान मजीद के अंदर है। वल क़ुरानुल अज़ीम से बाज़ लोगों ने ये समझ लिया कि क़ुरान अज़ीम क्या है, अलग सूरह फातिहा अलग, ये अज़मत के तौर पे फरमाया, वरना सूरह फातिहा भी क़ुरान के अंदर है। और इब्तिदा और इंतहा असल में अलहम के सूरह से लेकर सूरह नास तक, ये भी इत्तेफ़ाक़ है। बाज़ लोग इसके लिए क्या है, गलत तौर पर यह दलील देते हैं कि हज़रत इब्न मसऊद ने जो मुसहफ़ लिखा वो मुसहफ़ उनके पास जो था उसमें अलहम्द का नहीं था सूरा, और सूरा आखिरी जो मुअव्विज़तैन जिसे कहते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये भी नहीं थे। तो ये दलील लेते हैं कि इसमें क़ुरान में भी उलमा में या क़ुरान में भी दरअसल उम्मत में इख्तिलाफ़ है। हालांकि कोई इख्तिलाफ़ नहीं, इसमें इत्तेफ़ाक़ यही है कि ये दरअसल क़ुरान के अंदर है और हज़रत इब्न मसऊद ने जो लिखा वो दरअसल याद करने के एतबार से लिखा। उनसे पूछा गया, ये रिवायतें भी मौजूद हैं, तो उन्होंने साफ़ कहा कि मैं इसको मानता हूं इस वास्ते कि मैंने उसमें जमा नहीं किया, इस वास्ते कि वो अलग से उतरा है और उसको तो मैं हर सूरत के साथ उतरने वाली चीज़ मानता हूं। तो इस हैसियत से क्या है, कुरान के अंदर सूरह फातिहा है और इस मामले में उलमा और उम्मत का इख्तिलाफ कोई नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये क्या मक्किया है या मदनिया है, मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, इस बारे में मैं पहले भी तफसील से बयान कर चुका हूं कि मक्की ज़िंदगी में जहां कहीं भी नाजिल हुआ वो मक्की कहलाया, खा वो मक्के के अंदर हो या कोई और जगह। और इसी तरह मदनी ज़िंदगी में जहां कहीं भी नाजिल हुआ वो मदनी कहलाया, खा वो मदीने में हो या कोई और जगह। तो सूरह फातिहा मक्के में उतरा या मदीने में, ये इस वजह से है कि दोनों रिवायतें आई हैं। तो इस हैसियत से बात समझ लीजिए कि बाज़ों ने उसे मक्की भी कहा है, बाज़ों ने उसे मदनी भी कहा है, लेकिन सही तर बात यह है कि वो मक्की है, मक्के में नाजिल हुआ। हाँ, इसका दो मरतबा नाजिल होना शामिल है या दो मरतबा नाजिल होने के लिहाज से रिवायतें हैं। तो एक मरतबा मक्के में नाजिल हुआ, एक मरतबा मदीने में नाजिल हुआ। इस हैसियत से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो असल पहली मरतबा मक्के ही में नाजिल हुआ और एजाज़ी एतबार से फिर एक मरतबा मदीने में नाजिल हुआ। और ये बात भी एक इख्तिलाफ़ी है कि क्या जिब्राईल ने इस सूरे को लेकर नहीं आए, कोई दूसरा फरिश्ता आया था, जैसा कि सही अहादीस में साबित है कि दूसरा फरिश्ता लाया था, जबकि रब कहता है कि नज़ल बिही रूहुल अमीन, के रूहुल अमीन ही इसको लेके उतरे हैं। तो सूरह फातिहा को ले आने वालों में क्या हज़रत जिब्राईल नहीं थे? तो याद रखिए, हज़रत जिब्राईल थे। उन अहादीस में जो इशारा है कि ये दरअसल एक अलग फ़रिश्ता लेके आया था, वो सूरह फातिहा के एजाज़ के तौर पर उतरे थे। साथ में इसकी नफ़ी नहीं है कि जिब्राईल नहीं थे, जिब्राईल भी साथ में थे। जिब्राइल भी साथ में थे, इस हैसियत से कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि पूरा कुरान जो उतरा वो हज़रत जिब्राइल के ज़रिए, जो इशारा कुरान खुद दे रहा है कि नज़ल बिही रूहुल अमीन के ज़रिए हमने इसको उतारा। तो इस हैसियत से बात साफ हो गई कि हर वक्त हज़रत जिब्राइल थे। खुसूसी एतबार से बाज़ बातें, बाज़ आयतें या बाज़ क्या हैं वो वही के सिलसिले जो कि उसके एतबार से अहमियत वाले थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अहतमाम फरमाया। लेकिन हज़रत जिब्राइल का पूरे कुरान के साथ हमेशा शिरकत रही और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुकम्मल कुरान जो उतरता रमज़ानुल मुबारक में उसको बाकायदा तौर पर पढ़ के सुनाते थे। और इसी तरह ये बात भी जहन में रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सूरत को नाजिल होना, क्या ये पहली वही थी या आकर दूसरी थी या नहीं, बाद के वहियों में थी, एक इख्तिलाफ भी है। तो इस हैसियत से सही तर कौल यही है कि सूरह फातिहा पहली वही नहीं थी, बल्कि सूरह अलक़ पहली वही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। लेकिन मुकम्मल एक सूरत के एतबार से सूरह अलक़ 5 आयतों पर मुश्तमिल पहली वही नाजिल हुई, मुकम्मल सूरत के एतबार से सूरह फातिहा पहली वही है, लेकिन तरतीब नुज़ूली के एतबार से सूरह फातिहा बाज़ उलमा कहते हैं कि 5वीं वही है। 5वीं जो वही नाजिल हुई वो सूरह फातिहा नाजिल हुई और ये मुकम्मल सूरत की शक्ल में नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत मुकम्मल तरीन नाजिल नहीं हुई। और इसी तरह ये भी समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में कैसे शुरू करते थे, क्योंकि नमाज इसका एक लफ्ज़ भी है, यानी सूरह फातिहा का एक नाम खुद नमाज है। जैसा कि मैं पहले बयान किया था, कसम तो सलाह नमाज है, तो सूरह फातिहा का बहुत ख़ास ताल्लुक़ नमाज से है। तो नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा शुरू करते थे, इस बारे में उमूमी तौर पर उलमा का इत्तेफाक यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते थे। बाज़ ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रन पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते थे। लेकिन दोनों बातें आई हैं और इसमें ज़्यादातर कौल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने का है। गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह की पहली आयत के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ा करते थे। और इसी तरह इस सूरत को नमाज के अंदर मुकाम कैसा है, इस मुकाम के एतबार से याद रखिए आज बहुत बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या मसलकी तअस्सुब पाया जाता है, जो कि अल्लाह और इसके रसूल के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह और इसका रसूल आपको बता दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको सही हदीस से साबित हो जाए तो फिर तो कोई मसलक है न किसी की बात को कोई तरजीह हासिल है। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब है या छोड़ना वाजिब है, ये है असल जो कि हमारे दरमियान बहुत बड़ा इख्तिलाफी मसला बना हुआ है। हालांकि अहादीस पूरे के पूरे जो इशारा कर रहे हैं वो सब के सब इसी में हैं कि सूरह फातिहा वाजिब सूरत है, खा वो इमाम हो खा वो मुक्तदी हो। इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए नमाज में हर रकात में पढ़ना वाजिब है। इसके लिए तफसीर कुर्तबी के अंदर इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह ने बहुत अच्छा बेहतरीन तौर पर इस मज़मून को अदा किया है। वो तमाम अइम्मा की बात नकल करते हुए इनके यहाँ इख्तिलाफ है, उनके यहाँ इख्तिलाफ है, ऐसा है ऐसा है। इमाम शाफ़ई ये कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ क्या है वाजिब नहीं है, ये फ़लाँ है ये फ़लाँ कहते हुए वो फरमाते हैं कि इन सब अक़वाल में सबसे अहम तरीन सही तरीन कौल यही है कि हर रकात में अन्नल फातिहत मुतअय्यनतुन फी कुल्ली रकातिन लिकुल्ली अहदिन अलल उमूम, फरमाया कि फातिहा का पढ़ना हर रकात में ज़रूरी है, ये ही सबसे सही तरीन कौल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला सलात लिमन लम यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब। और इसी तरह का दूसरी रिवायत लाए हैं कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरआन फ़हिय ख़िदाजुन सलासन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, मुकम्मल नहीं है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम क्या करें, ला सलात इल्ला बिक़िराअति फातिहतिल किताब, कि देखो नमाज में फातिहतुल किताब, जो नमाज में फातिहा है वो पढ़ो, क्योंकि क्या है, इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। ये तमाम अहादीस आपको क्या हैं मिल जाएंगे तफसीर कुर्तुबी के अंदर। इसी तरह हर रकात के लिए जैसे एक रुकू का होना, दो सजदों का होना रुकन है, इसी तरह कहते हैं इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह के किसी रकात में रुकू ना करे, किसी रकात में कौमा ना करे, किसी रकात में सजदा ना करे तो वह रकात शुमार नहीं होगी बेआइनी ही। उसी तरह अगर कोई किसी रकात में फातिहा ना पढ़े तो वो नमाज शुमार नहीं होगी साफ तौर पर। अब यहाँ पर मशहूर जो चीज़ फैल गई है एशियाई ख़ित्तों के अंदर वो क्या है, एक तबका तो वो है जो कहता है कि ना सिर्री में ना जहरी में किसी में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ खामोश खड़े रहेंगे इमाम के पीछे, जो कि सराहतन हदीस के खिलाफ है और अपने इमाम की बात ले आता है, हालांकि बात बिल्कुल गलत है। दूसरा तबका वो है जहरी में नहीं पढ़ेंगे, सिर्री में पढ़ लेंगे। हाँ, जहरी नमाज जो कि मगरिब इशा फजर है इसमें नहीं, सिर्री नमाज जो कि असर और दोहर है इसमें पढ़ लेंगे। बाज ये कहते हैं कि मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, बाज कहते हैं कि सिर्री और जहरी की तकसीम है। बाजों के पास क्या है, हम दिल में पढ़ लेंगे, जुबान से नहीं पढ़ेंगे। इन तमाम के लिए यह हदीस दरअसल बार बार उनको सुनाने के बाद भी ला सलात लिमन लम यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, सिर्फ इमाम के कौल को लेके क्या हैं बैठ जाते हैं। ये सराहतन दरअसल क्या है, अल्लाह और इसके रसूल की खिलाफ वर्जी है। बात समझिए, ये बात मेरी नहीं है, यूं ना कहिए कि एक नया सिलसिला या नई चीज़ पेश कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह उनकी तफसीर से, जो कि वो तकरीबन 300 सदी हिजरी में पैदा होने वाली शख्सियत है, जो कि तफसीर इब्ने कसीर से भी पहले उन्होंने लिखी थी। और इस तफसीर को तमाम अइम्मा मानते हैं, तमाम लोग, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मानते हैं। अगर आपको यूं कह लीजिए कि आप कहते हैं कि ये तो नए नए बातें करने वाला नया फ़िरका है, तो मैं कहता हूं 300 हिजरी में कौन सा फ़िरका था आपके नज़दीक? इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह साफ कहते हैं कि ये दरअसल क्या है, हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए। अच्छा, वो लिखते हैं अपनी तफसीर सूरह फातिहा के नोट्स में, फरमाते हैं कि इसी बात के कायल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ज़रा मैं पढ़ते जाता हूँ, आप तसव्वुर कीजिए कितने लोग हैं जो इसी बात के कायल हैं कि सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। हर शख्स सूरह फातिहा पढ़ना है, ख़्वाह वो सिर्री है, जहरी है, और हर रकात में पढ़ना है। यही सही बात है कि कहते हैं कि वरुवी अन उमर इब्नुल ख़त्ताब, यही बात दरअसल उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी यही कहते हैं, अबू हुरैरा भी यही कहते हैं, उबई इब्न काब भी यही कहते हैं, अबू अय्यूब अंसारी भी यही कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस भी यही कहते हैं, उबादा बिन सामित भी यही कहते हैं, अबू सईद खुदरी भी यही कहते हैं, उस्मान बिन अबिल आस भी वही कहते हैं, खवाद बिन जुबैर भी यही कहते हैं, अन्नहुम कालू, सब के सब यही कहते हैं कि ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब के सलाह के अंदर, नमाज के अंदर फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और कौल इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का भी यही कौल है। और इसी तरह क्या है, यही वो सहाबा हैं, मेरी बात नहीं है, इमाम कुर्तबी कह रहे हैं अस्सहाबतु बिहिमुल कुदवा, फरमाते हैं कि यही वो सहाबा हैं जो कुदवा हैं, जो नमूना हैं, जो सबसे बड़े नमूना हैं। और वफीहिमुल उस्वा, यही है उस्वा इनका। कुल्लुहुम युजीबून अल फातिहा फी कुल्ली रकातिन, इन सब के पास यही चीज है, यही मानना है कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। युजीबून अल फातिहा फी कुल्ली रकातिन, हर रकात में पढ़ना वाजिब है। हमारा कौल नहीं है, मेरे कौल को उठा के रख दीजिए, मेरी बात को उठा के एक तरफ रख दीजिए। मैं इमाम कुर्तबी का कौल रहमहुल्लाह का पेश कर रहा हूँ, जो कि 300 सदी हिजरी में पैदा होने वाली शख्सियत है। वो तमाम अकवाल को रिवायत करने के बाद, जिक्र करने के बाद कहते हैं कि इन सब में सही तरीन बात यही है। तो याद रखिए, जब इतनी बात इतने शब्दों, इससे ही साफ जाहिर हो गया जो बात अहलुल हदीस बताते हैं वो बात कोई फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखती, कोई नई चीज़ नहीं है, जहालत की वजह से नहीं लगती है, वरना तो ये सबसे पुरानी चीज़ यही है। अहद जदीद में पैदा होने वाली चीज़ नहीं है, ये ना पैदा होने वाला तबका है। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह के दौर में, अगर आपको मालूम नहीं है तो ज़रा पढ़ो, पूरा का पूरा दौर वो है जो कि किताब व सुन्नत पर मबनी दौर था। और उन्होंने तमाम अकवाल अबू हनीफा रहमहुल्लाह के, इमाम मालिक के, इमाम शाफई के, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नकल करने के बाद आखिर ये क्यों कहते हैं कि सही तर बात यही है? तो क्या आप क्या कहेंगे, गैर मुक़ल्लिद थे? अब या तो गैर मुक़ल्लिद का लफ्ज़ समझो कि आज का ईजाद करदा नहीं, जब इमाम कुर्तबी पे भी लगवाओ, या नहीं तो मुहक्किक़ थे ना, मुहक्किक़ थे ना। अब तुम्हें पसंद हो कि इमाम कुर्तबी जैसी शख्सियत को आप मुहक्किक़ कहें या गैर मुक़ल्लिद, जो चाहे तुम्हारी मर्ज़ी। और दूसरी बात समझ लीजिए, क्या इन्होंने इन सब के अक़वाल ज़िक्र करके आखिरी में ये चीज़ नकल करके कि तमाम सहाबा और हदीस के मुताबिक सही तरीन मनहज सूरह फातिहा को पढ़ना है, इसके पढ़े बग़ैर नमाज नहीं होती, ये ला के क्या इमाम अबू हनीफा की गुस्ताखी की, उनकी ताज़ीम में क्या है कोई तजलील की, या इमामों को नहीं मानते थे वो? अगर ये सब कहने के बावजूद भी वो इमामों को मानते थे, उनकी ताज़ीम करते थे, तो याद रखो वही हम भी कहते हैं कि हम भी इमामों को मानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं। ये गुस्ताखी नहीं है, गलती किससे भी हो सकती है, लेकिन बात दलाइल की बुनियाद पर ली जाएगी, दलाइल की बुनियाद पर रद्द की जाएगी, इमामों के अक़वाल पर नहीं। इन सब को पढ़ने के बावजूद भी कोई हठधर्मी दिखाते हुए कहता है कि नहीं जी मैं तो हनफी ही हूँ, तो याद रखिए कल इमाम अबू हनीफा से मुलाकात हशर के मैदान में हो जाए तो वो भी बरी हो जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने अच्छा किया, क्योंकि उनका कौल जो सनद के साथ सही तरीन मरवी है वो यही है कि इदा सह्हल हदीस फहुवा मजहबी, कि सही हदीस मेरा मजहब है। उस वक्त नहीं मिली थी, जैसे कुछ समझ आई, जैसे कुछ क्या है उन पर उनके हैसियत से उन्होंने जस्तजू की, उस हैसियत से उनका कौल, उनका फतवा था। लेकिन बाद में जब सरीह हदीस से साबित हो गई बात उनकी उस हैसियत से गलत है तो मान लेना चाहिए। इमाम अबू हनीफा भी यही कहे, इमाम मालिक, शाफई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह सब ने यही कहा कि हदीस आ जाए तो हमारे कौल को उठा के फेंक दो। किसी ने दीवार पे दे मार दो कहा, किसी ने कहा कि फेंक दो, किसी ने कहा कि सही हदीस ही असल में क्या है हमारा मजहब है, किसी ने कहा कि सबका कौल लिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। और सिर्फ एक का कौल रद्द नहीं, अंधा आंख बंद करके पैरवी करना है। वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक मस्जिद नबवी में सामने बैठे हुए रोजे की तरफ इशारा करते, कब्र की तरफ कहते थे कि इल्ला बिसाहिबिल कब्र, ये सिर्फ ये हैं जिनकी बात को हम रद्द नहीं कर सकते, जो कहा वो माना जाएगा। तो ये दरअसल क्या है, हमारे यहां अहादीस के मुकाबले में इमाम के अकवाल को ले आना। जब हम कहते हैं हदीस है तो उल्टा है कहते हैं ये इमामों को नहीं मानते। अगर यही बात है इमाम कुर्तबी पर भी लगाओ कि इमामों को नहीं मानते हो, उनको भी गैर मुक़ल्लिद कहो, उनको क्यों नहीं कहते? तो याद रखिए, असल में इमामों को मानना ये नहीं है कि जो भी हदीस के ख़िलाफ़ आए उसको भी मान लो, बल्कि इमामों को मानने से मुराद ये है कि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद किए और उन्होंने अपनी मकदूर बर कोशिश में किताब व सुन्नत के करीब होने की कोशिश की। इस हैसियत से हम मानते हैं, याद रखिए। और इसी तरह वो इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह उसी बात की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं, हत्ता के बाज़ अहादीस में तसरीहन आया है, ला सलात लिमन लम यक़रा फ़ी कुल्ली रकातिन का लफ्ज़ आया है। हर रकात में पढ़ना ज़रूरी है, उसके बग़ैर नमाज नहीं होती, ये भी आया है। और फिर सही मुस्लिम के अंदर फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत आई है उसमें भी यही चीज़ है कि तुम नमाज के हर रकात में यानी हर क़िराअत में तुम्हारे साथ सूरह फातिहा होना चाहिए। इफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, नमाज के हर एक रकात में या पूरी नमाज में तुम सूरह फातिहा को पढ़ना है, ये अल्फाज भी आए हैं। और इसी तरह इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा उबादा बिन सामित इमाम, मस्जिद के इमाम थे, तो वहाँ पर नुआइम जो मुअज्जिन थे उस मस्जिद के, उन्होंने अजान कही और अब अजान हो गई तो उबादा बिन सामित आने में थोड़ा सा लेट हो गए। तो हत्ता के हज़रत नुआइम जो है ना, उन्होंने नमाज़ पढ़ा थी। फिर नमाज पढ़ने के बाद उबादा बिन सामित जब नमाज में थे तो बाकायदा क़िराअत के साथ पढ़े हैं, सूरह फातिहा क़िराअत के साथ पढ़े। जब नमाज हो गई तो उन्हें बताया गया, क्योंकि लेट आके शामिल हुए थे, तो उन्हें बताया गया कि आप नमाज के साथ आवाज़ से, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है, जैसा कि उमूमी तौर पर न पढ़ने वाले दलील लेते हैं कि इज़ा क़ुरिअ अल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, गौर से सुनो। तो उन्होंने कहा कि असल में मसला ये नहीं था, मसला ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नमाज पढ़ाते थे तो सहाबा फातिहा के बाद की जो सूरतें होती थी उसको भी बावाज़ बुलंद तिलावत करते थे। तो इस वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज अदा करके पूछा, तुम पीछे पढ़ते हो? बाज़ रिवायतों में आया है कि कौन है जो मुझसे झगड़ा कर रहा था, तो जो सहाबी पीछे पड़े थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं नहीं किया। तो फरमाया कि फ़ला तक़रअू बिशैइन, तुम कोई चीज़ न पढ़ो। हाँ, लेकिन उसी बात में बात आ गई, फरमाया फिर आखिरी में इल्ला बि उम्मिल कुरान, फरमाया कि उम्मुल कुरान सूरह फातिहा पढ़ो। साफ हो गई बात कि इसमें जब मालूम हुआ कि हर रकात में उबादा बिन सामित ने पढ़ के दिखाया, अब उनसे पूछा गया आप क्यों पढ़े जबकि इमाम पढ़ रहा है और आपने क्यों पढ़ा? तो फरमाया कि तुमने उस बात को गलत समझा है, बात ऐसी नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने मना जो किया वो बाद वाली क़िराअत, सूरह फातिहा के बाद जो क़िराअत आती है ना, उस क़िराअत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मत पढ़ो। सूरह फातिहा के लिए नहीं कहा, सूरह फातिहा तो क्या है, हर रकात में पढ़ना है, जिसको मैं भी इख्तियार किया हुआ हूँ। ये वाक़िया लाकर इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि वहादा नस्सुन सरीहुन फिल मअमून, ये नस्स सरीह है कि इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए भी सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम है, नस्स सरीह। बाज़ लोग जो कहते हैं ना जी इमाम अगर पढ़ लिया तो बस काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की क़िराअत मामून के लिए काफ़ी है। मामून का मतलब है कि जो इमाम के पीछे करता है, तो वो जो नमाज पढ़ता है, मुक्तदी जिसे कहते हैं हम, वो जो है उसके लिए काफ़ी है। नहीं, वो जो काफ़ी कहा अल्लाह के रसूल ने, वो दरअसल किसको कहा? जो सूरह फातिहा के बाद की जो क़िराअत है ना उसको कहा, उसे मत पढ़ो कहा, सूरह फातिहा को नहीं कहा। और ये मेरी बात नहीं है, इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह की बात है, ये नस्स सरीह है कि हर मुक्तदी पर सूरह फातिहा लाजिम है। तो ये चंद अहकामात थे मेरे भाइयों। यहाँ पर किसी को तंज, किसी को बुरा, किसी को गलत कहना हरगिज़ भी मुराद नहीं है। यहाँ सिर्फ बात यह है कि सही बात आप तक पहुँचा दिया जाए, और ख़ासकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये आप तक पहुँचा दी जाए। यही हमारा मकसद है कि किताब व सुन्नत की रोशनी, इस रोशनी की ज़िंदगी में, इस रोशनी के अंदर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, और ये रोशनी को पहुँचाना बिला किसी ऊंच नीच के, बिला किसी इन उनके अक़वाल को जोड़कर, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मनहज और तरीक़े से हटना, जो कि आज एक आम मामूल बन गया है। हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा दीन, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लैलुहा का नहारिहा, इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। ये रोशन तरीन दीन है, ये रोशन तरीन किताब है, और ये रोशन तरीन बातें हैं जो बिल्कुल समझ आने वाली हैं। हम भूल भलैयों में, पिगडंडियों में क्यों जाते हैं, जबकि सीधा रास्ता सामने मौजूद है रसूल का। इसको छोड़कर हम कहते हैं कि हम पगडंडियों में जाएंगे, फिर इनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे, इनकी बात मानेंगे। क्यों? हर कोई तो सिर्फ यही कहा कि अल्लाह के रसूल की बात मानो, और इनकी ताज़ीम में कोई खलल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जब किताब व सुन्नत से बात पहुँच जाए, उस पर इस्तिक़ामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।